चलो ना बेटा गोदी में चल जाओ, बहुत सीरी है बेटा, बहुत ज्यादा सीरी है, पैर दर्द करने लगेगा। एक बार आप गिर गए थे ना, याद है ना आपको, सीरी से गिर गए थे ना, बाव हो गया था, रो रहे थे पूरी रात। गोदी चल जाओ, गोदी चल जाओ, गिर जाओगे बेटा। मम्मा गोदी आ जा, मम्मा गोदी आ जा। Hey family, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो आगे चलिए आप लोगों को पता लगेगा। बाकी किसी से मिलने वाले भी हैं हम लोग, तो आपको वो भी पता लगेगा। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, शिवांश, रणवीर ये जा रहे हैं, बाकी दीदी तो है नहीं, वो तो ऑफिस गई है, तो वो नहीं जा रही हमारे साथ। चलते हैं। कार यहाँ पे पड़े पड़े गंदा हो गया ना, कार बहुत धूल धूल पड़ गया इस पर, तो ये हमारी कार गंदी हो चुकी है। आज वॉश नहीं करवाया ना, बोल रहे थे कि आज वॉश करवाएंगे, बट आज वॉश करवाया ही नहीं है। ठंड ठंड तो एकदम, अभी हवा चल रही है ना, बर्फीली हवा चल रही है, पीछे से साया हवा लग रहा है। चल गया, आ रहे पापा निकाल रहे, रुको। चल गया मम्मा, लाइट पे चल गया। हाँ बेटा लाइट पे चल गया, अभी 36। बोलिए ना। हे फैमिली, तो आप लोगों को तो पता है कि हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं, बट कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे पति देव की, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सारा कुछ ये बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे इस न्यू ब्लॉग में। बजने वाले टाइम 5:29 और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में। वहाँ करनी है छोटी सी शॉपिंग, एक छोटा सा सूट भी हमें करना है, और साथ में एक यूट्यूबर दोस्त मित्र हैं जो हमारे, वो भी आ रहे हैं वहाँ पे। बाकी आप गेस कर सकते हो तो गेस कर लो, वैसे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि कौन आने वाले हैं। जल्दी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और फिर से आज मौका मिला है, वो भी आ रहे हैं चंडीगढ़, तो हम लोग फाइनली, हम लोग का भी छोटा सा काम है तो साथ में हमारा काम भी हो जाएगा, एंड आगे का जो भी कुछ होगा वो आपको पता चल जाएगा। ब्लॉग देखते रहिए एंड मज़ा लेते रहिए। अभी हम लोग चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स काफी, मतलब अच्छे से चलना होता है, नहीं तो पता चले। गोल चक्कर से राइट लेना है क्या? सीधा जाना है, वो टाइम ज्यादा बताएगा, वो वाला जो जहाँ से वो लेके जाएगा वहाँ पे गूगल मैप ज्यादा बता रहा है कि टाइम ज्यादा लग सकता है। ये जो बता रहा है 15 मिनट। हे फैमिली, तो हम आ चुके हैं मोबाइल के मार्केट में। यहाँ पे लाइन बाय लाइन सिर्फ मोबाइल शॉप्स ही हैं। किधर जाना है? और आज हम लेने वाले हैं आईफोन 15। पति देव मुझे आईफोन 15 खरीदने वाले, ओ माय गॉड। मैं खुशी से मानी हूँ। यहाँ पे मेरे फ़ोन में वॉइस बहुत कम आती है, इस वजह से हम उसको ठीक करा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं सेक्टर 22 और यहाँ पे आईफोन कौन सा 15 आईफोन 15 खरीदने के लिए पतिदेव मुझे आईफोन 15 देने वाले हैं। हाँ, मुँह देखा है, बर्दाश्त नहीं हो रही, मुँह देखा है क्या? देना ही पड़ेगा। हाँ, तो फोन पैसे, गया पैसे मेरा। है नहीं हमारे पास, फोन मेरा टूट गया भाई, पैसे नहीं है, कर्जे में डूबा हूँ, ये मेरी पे जिंदगी चल रही है, तो और थोड़ा सा ये हमारी ले लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं क्रूर पत्नी को, इतना कुछ करने के बाद भी बोल रही है, मतलब क्या बताऊँ आपको, पैसे नहीं है फिर भी इनको आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं सेक्टर 22 और यहाँ पे पूरा का पूरा मोबाइल शॉप है। सभी क्या है, वीर के साथ घूमने के लिए ना, पतिदेव आईफोन 11 ही चला रहे अभी तक। ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ना, आईफोन 11 ही कर रहा हूँ, और मैंने इनको आईफोन 12 प्रो मैक्स दिया रखा है ना। और अब 15 चाहिए मुझे, मैं 12 से 15 अभी बहुत टाइम है, अगले साल दिखाएंगे 16। नहीं नहीं अभी चाहिए, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। एंड मौसम इज सो चिलिंग एंड मम्मी इज मेरे को चिलिंग, टोपी क्यों नहीं लगाया कान में, टोपी पहनना तो किसी और का काम है, हमारा काम है, हमारा टोपी तो पहले ही चांद के अंदर घुसा हुआ है। अच्छा, बहुत ज्यादा हमने वहाँ दिया अपन ओप्पो वाले में, बार्गेनिंग ज्यादा नहीं किया, 4,000 बोला, 3,000 बोला, तो उसने डन कर दिया, कुछ मुंह नहीं था बोलने का मेरे पास। और ठीक है, तो अभी यहाँ पे हसीन भाई आ चुके हैं और फोन बनवाने थे हमें। देखो, अरे अरे
बैठना बात करना बात। अच्छा गोद में ले लो थादर, गोद में ले लो, गोद में ले लो। हाँ जी अच्छा अच्छा आ जाओ, मैं क्लिक कर देता हूँ। वीरे क्लिक कर दो थोड़ा नहीं, आ जाओ आप आइए। सर आप भी आ जाओ। मैं भी आ जाऊं। कह रही है चलो बड़ाडा, इतना ठंडा है बड़ाडा में, एकदम कश्मीर जैसा ठंडा होता है। हमारा घर लद्दाख सही में वहाँ तो दरवाजे पे प्रणाम करने के लिए अभी आ रहे थे। तेज हवा चल रही थी, क्या बताएं, एकदम ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे जितना अभी हवा चल रही है। पेड़ वाला देखिए वहाँ से रह के वो क्या कैमरा भी इतना बात कर रहे हैं। हाँ कैमरे में क्यों, वो आजकल तो सबको समझ जाता है। यहाँ पे तो वैसे भी बहुत लोगों को पता ही होता है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों को देखोगे तुम शूट करते हुए। यहाँ पे जैसे मैं भी बहुत बार घूमी हूँ ना, तो बहुत लोगों को बच्चे को देखते हैं शूट करते हुए, छोटे छोटे नहीं डालते हैं ना वो भी शूट करते हैं। हाँ हाँ और तो ठंडा कैसा लग रहा है एकदम इस बार का ठंडा ना यहाँ का, मतलब यादगार है क्योंकि ऐसा ठंडा। मेरा पता है तुम्हें, मुझे क्या कमेंट्स आ रहे हैं पता है, कि पूजा ना टोपी नहीं हटाती, वो समझती है कि टोपी में स्मार्ट लगती है ऐसे वैसे। यार मेरी तबीयत खराब है, जब से मैं सूरत से आई हूँ, गोवा से सूरत से आई हूँ ना, उसके बाद वहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे बहुत ठंडा थे ना, और हमको लगा कि चलो फिर इस तो पता नहीं लगा, और कार में पता नहीं लगता ना ठंडा। हीटर चला दी थी मेरे को इतना यहाँ पे ठंडा लग रहा था। हीटर नहीं चलाने के लिए कहते हैं, अजीब समन हो जाता है, सीट पर भारी हो गया था, इतना दर्द ऐसे ऐसे दबा रहे थे, फिर बाहर निकले तो बोले बाहर इंस्टॉल लेना पड़ेगा। हाँ और इस तरह ढक लिए थे, अभी थोड़ा यहाँ पर ना लाइट वाइट जल रहा है तो ठीक है। ठंडा तो बहुत है तो इस वजह से ना, अरे सर्दी इतनी ज्यादा हुई है ना, पूरा नाक एकदम जाम सा है, तो इसलिए टोपी पहनो। टोपी में कौन सा स्टाइल देखता है यार, मतलब कमेंट करने वाले लोग कुछ भी कर देते हैं, जो जिसको जैसे समझ आती है। हाँ वो तो है, बाकी हम कभी भी किसी कमेंट को पकड़ते नहीं है। चलो जो करना है स्मार्ट तो भाई लगने के लिए करते ही है, क्योंकि हमें स्मार्ट लगने के लिए तो ड्रेस पहनते हैं। हाँ तो चाहे कोई भी रेडी होते हैं तो हम खुद चाहते हैं कि भाई हमें स्मार्ट लगे। हाँ लेकिन अच्छा लगता है कि थोड़ा, लेकिन थोड़ा ठंडा होता है ना तो ठंडे में क्या होता है, अपना ध्यान भी रखना होता है, और बच्चे वाले तो और ध्यान। हाँ क्योंकि मेरी तबीयत हो जाती है ज्यादा खराब, तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगी, ये टेंशन हो जाता है मुझे कि उसको कैसे संभालूंगी। घर पे इतनी पार्टी वार्टी हुई ना तो कल हम लोगों ने पता है मैं वहाँ पे गई थी ना और लिपस्टिक मैंने लगाया था, उसके बाद से ऐसा पपड़ी पड़ा मेरे लिप्स पे, उसके बाद से मैंने लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया, लिप बाम लगाया हुआ है पिंक वाला, तो वो चलो ठीक अच्छा है, लग रहा है। हाँ अच्छा। तो वो लिपस्टिक मैंने लगाया था ना, उसके बाद से ना मेरे इस पे पकड़ लिया था, अजीब सा हार्ड हो गया, वो मैट वाला होगा ना। हाँ मैट वाला। हाँ तो क्या था ना, काजल ही नहीं छूट रहा था इतना, ऐसे दो दिन तक यहाँ क्या था ना कि रात में लगाए सो गए थे, इस वजह से और ज्यादा हो गया, धूप करने से कभी कभी मन नहीं करता। अब मेरे को लग रहा है ना इतनी नींद आ रही है, और घर पे तो सब लोग चले गए, सब लोग हम लोग ना अभी इधर के लिए निकल रहे हैं, हम लोग ना अभी इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, बाकी वहाँ पे तो थोड़ा सा भी टाइम ही नहीं मिलता था। ये तुरंत हम सब निकले तो तुरंत ये मार्केट से आई थी, और उसके बाद पापा जी, इनके पापा जी को भी ट्रेन छूट जाता है, इस वजह से थोड़ा निकली, और निशा को भी जाना था, फिर हम बात नहीं कर पाए, हम काम में से पूजा बोल रही है यार हम क्या कर, पापा जी को ये कंफ्यूज, ये कंफ्यूज थी, जैसे क्या होता है ना घर में इतने लोग आ जाते हैं, सबसे मिलो, सबका ख्याल रखो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो मार्केट गए थे, उनके लिए कुछ शॉपिंग करना था, फिर वो सारा सामान देना भी तो समझ नहीं आता कैसे क्या करें, अब साड़ी वगैरह था ना तो सोचा कि तो समझ सकते हम खुद कपड़े आधा लेके आए थे आधा लेके नहीं आए थे, कैसे कैसे वहाँ पे मैनेज किए थे, तो समझ सकते हैं। घर में कोई भी फंक्शन होता है ना, पार्टी तो वाले दिक्कत हो जाता है, परेशान पता है, एक वीडियो देख रहे थे जो ऐसे खड़े हैं ना हम लोग, तो हम देख रहे थे उसमें ना हम लोग साथ में फोटो खिंचवा रहे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, और हम ना उसमें देख रहे अपने आप को देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं इस टाइम, इतना परेशान है, और तुम ये हमेशा सोच में ही डूबी हुई थी कि कैसे। हाँ और फिर हम थोड़ा सा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, नहीं
थोड़ा भी क्या हुआ था ना कि सभी लोग बैठने के लिए बोल रहे थे कि बैठ जाइए क्योंकि फंक्शन वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, बैठने के लिए बोल रहा था। हम बोले मतलब आज हम खुद को पता थोड़ी ना लगता है, हमको नहीं पता। हम तो सिर्फ वीडियो ना एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपने क्योंकि ये डालने का टाइम इतना शॉर्ट है कि क्या बताएं, आराम से डालते रहना। ज्यादा मस्ती किए थे हम लोग लेकिन डाल नहीं पा रहे थे, और रात में फिर डालने का वो थोड़ा सा व्यू काफी दिन के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं, और काफी दिन बाद इसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल भी आ रहा है क्योंकि ये ना बहुत बिजी थी इधर से उधर, काम इतना काम हो जाता है ना। वांश अभी एकदम इंजीनियर बना हुआ है इधर आके अंकल के साथ एकदम खतरनाक चीज लिए हुए है। शिव डर नहीं लग रहा है तुमको? इसको डर नहीं लगता है किसी चीज से, इलेक्ट्रिक चीज से? हाँ, अरे ड्रायर ना, मम्मा हाथ सुखा दे दो, ड्रायर चलाने लगता है। शिवांश को देखिए, पंखा जैसा पता नहीं कुछ है, गोल गोल घूमने वाला है, वही चला रहा है उसमें। फोन हमारा रिपेयर हो चुका है और अभी यहाँ से निकलने की बारी है। जो शिवांश हम लोग जा रहे हैं बेटा।